महिला सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में हरियाणा के गुरुग्राम के एक अस्पताल में एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है, जहां एक नामी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 21 साल की लड़की के साथ रेप की शिकायत दर्ज हुई है। लड़की ने खुद अपने पिता को इस बारे में बताया था। लड़की ने अस्पताल के ही स्टाफ मेंबर पर रेप का आरोप लगाया है। टीबी की मरीज ये लड़की सेक्टर 44 में इस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। आरोप है कि रेप उस वक्त हुआ जब वो लड़की आधी बेहोशी की हालत में थी। इस लड़की को मंगलवार को होश आया तो उसने परिवार को एक कागज पर लिख कर इस बारे में बताया। फिर परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस को अंदेशा है कि घटना 21 अक्टूबर को लड़की के भर्ती होने वाले दिन से 27 अक्टूबर को उसके होश में आने वाले दिन के बीच हुई है। फिलहाल ये लड़की इलाज के लिए अस्पताल में ही भर्ती है। जानकारी के मुताबिक लड़की महेंद्रगढ़ की रहने वाली है। उसे सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने बताया कि उसे इलाज के लिए आईसीयू के प्राइवेट रूम में रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। आरोपी की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन अभी उसे गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन आंतरिक जांच भी करवा रहा है। आरोपी का नाम विकास बताया जा रहा है। वो नॉन मेडिकल आउटसोर्स स्टाफ से है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।